नमस्कार, आचार्य विनोद भरद्वाज एस्टो तक से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का यह विशेष टॉपिक निश्चित रूप से आपके भाग्य में चार चांद लगा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि शनि जब जब अच्छा होता है तब तब राज्य दे देता है, और जब खराब होता है तो सारी स्थितियों को खराब कर देता है। मित्रों, आज मैं ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ कि एक दिन शनिवार के दिन केवल आपको एक छोटा सा उपाय करना है, निश्चित रूप से आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली आएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति भी है, पूरे हफ्ते में केवल एक शनिवार को यह उपाय आपको करना है, क्योंकि शनिवार हफ्ते का अंतिम दिन, इसका मतलब कार्य का अंतिम दिन। मतलब रविवार को तो छुट्टी होती है, शनिवार को आपके कार्य का अंतिम दिन होता है, और अंतिम दिन में किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप से पूरे सप्ताह को प्रभावित करता है। और ज्योतिष के अनुसार से मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि यह ग्रह शनि 2 साल 6 महीने एक राशि पे होता है, मतलब 2.5 साल एक ही राशि पे रहता है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे अधिक समय यही स्टार मतलब शनि एक राशि पे होने के कारण सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को शनि ही प्रभावित करता है। काल चक्र के अनुसार मतलब आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कर्म क्षेत्र मतलब दशम भाव, जहाँ से आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, उस स्थान का भी मालिक शनि है। और एकादश मतलब आय के स्रोत का भी मालिक कौन होता है? शनि। तो जीवन में दो ही भाव इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके कार्य करने की शैली और आपके जीवन में आय का विशेष करके स्रोत। और दोनों का मालिक कौन होता है? दोनों का मालिक होता है शनि। इसीलिए शास्त्रों में और हमारे पुराणों में या आप जैसे लोगों ने ही ऐसा कहा है कि जब जब शनि अच्छा होता है तो शनि राजा बना देता है, क्योंकि अधिक समय तक होता है और वह निश्चित रूप से दशम भाव में होता है और एकादश का मालिक होता है, कार्य और आय दोनों का मालिक होता है। इस ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है, दंड का देवता कहा गया है। अपनी टेढ़ी चालों के लिए निश्चित रूप से हर व्यक्ति शनि से डरते हैं, लेकिन वही शनिवार आज आपको मैं एक विशेष कार्य समझाने चल रहा हूं, आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आया हूँ। इस कार्य को अगर आप संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सभी दुर्भाग्य मिट जाएंगे, हर प्रकार से खुशहाली प्राप्त होगी। तो क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुखी दीपक आप सरसों के तेल का चावल के ऊपर 7 शनिवार वहाँ पे ले जाके जलाएं और पीपल के पेड़ की 4 परिक्रमा करके लौट आए, निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करने से हर प्रकार से सुख शांति यश कीर्ति आयु और आरोग्यता प्राप्त होती है। इसका मतलब हुआ कि भगवान राम के भक्त हनुमान निश्चित रूप से जो शनि को आशीर्वाद दिए हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आपका और आपके स्वामी का जो भी पूजन अर्चन वंदन अभिनंदन मेरे दिन करेगा, मतलब शनिवार के दिन करेगा, उसके जीवन में हम अपना कुप्रभाव नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु हनुमान जी का पूजन करने से निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में शनि का कुप्रभाव दूर हो जाता है।
ऐसा भी हम बिल्कुल निर्विवादित रूप से कह सकते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की तमाम कुदृष्टियाँ हैं, तो वो शनिवार के दिन हनुमान जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करने से दूर हो जाती है। और शनिवार के दिन अगर आपके जीवन में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं या एक दो हफ्ते आगे से विघ्न आ रहा है, तो एक छोटा सा कार्य करिएगा, आटा थोड़ा सा अग्नि में भून लीजिएगा, थोड़ा घी डाल करके और चीनी मिक्स करके काली चींटियों को शनिवार के दिन आप देखे आइएगा, देखिएगा आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती रहेंगी। व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार में अड़चन आ रही है, तो शनिवार के दिन गौ माता की एक बार आप सेवा करके देख लें। क्या करना है? हरा चारा ले जा करके गौ माता को खिलाएं, निश्चित रूप से शनि भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आपका व्यापार चलने लगेगा। तो ये निश्चिंत होकर के आप उपचारों को करके देखिएगा, हर प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ 24 जनवरी 2020 को जो एक महापरिवर्तन, शनि की राशि परिवर्तन हो रहा है, जो मंगल के घर में जा रहे हैं, कहीं भी आपके जीवन में अगर दोष युक्त शनि बढ़ रहे हैं, तो आप इन उपायों को करके शनि को पहले से ठीक कर सकते हैं और हर प्रकार से अपने जीवन में खुशहाली ले आ सकते हैं। मित्रों, आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हर प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली आए, भगवान शनि की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बने, भगवान नारायण की कृपा बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।